बीमारियों को देता है जर से उखार, नाम है इसका सदा बहार। सदा बहार बहुत ही लाभकारी है मधुमेह के रोगियों के लिए। सात पत्ता सदा बहार का, सात पत्ता तुलसी का, तीन पत्ता नीम का मिलाकर पीसे और उसका रस निकालें। रोज सवेरे इसे पी जाए। एक करेला, एक टमाटर, एक खीरा, तीनों का जूस निकालकर जूस को पिए। इसे आप सुबह शाम भी पी सकते हैं। कुछ ही दिनों के पीने से इसके फायदे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। बहुत ही लाभकारी है ये सदाबहार। मधुमेह ज्यादा बढ़ जाने पर किडनी में भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो घबराने की कोई बात नहीं, ये किडनी को भी सही कर देता है। थोड़ा किडनी में अगर प्रॉब्लम आ गया हो तो उसे भी ये ठीक कर देता है। कैंसर के लिए भी ये लाभकारी है। शरीर के नसों के लिए, शरीर के नसों की अकड़न को भी दूर कर देती है। इसके फायदे एक ही दिन में पता चल जाता है। मधुमेह के रोगियों के लिए इसके साथ साथ अगर आप योगा करते हैं, कपाल भाती करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं तो जल्दी ही ठीक हो जाता है। एक डॉक्टर ने मुझे बुलाया। डॉक्टर साहब बोले, मुझे मधुमेह हो गया है, मैं 2 महीने से अंग्रेजी दवा खा रहा हूँ और मुझे कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा है। मुझसे पूछने लगे कुछ बताइए। मैंने यही बताया। कुछ दिन बाद फिर वो मिले। मैंने उनसे पूछा तो बोले, फायदा तो बहुत हो रहा है। अगर आपको प्रेम ने काट लिया है, जिसे हड्डा बिरनी ततैया भी बोला जाता है, तो सदाबहार के 2-3 पत्ते को हथेली पर मसल कर वहां पर लगाएं। लगाते ही दर्द लहर तुरंत खत्म होने लगता है। अगर आपको मच्छर ने भी काट लिया है तो जितना दर्द करता है उससे कहीं ज्यादा खुजलाता है। तो सदाबहार के 2-3 पत्ते को मसल कर वहां पर लगाएं, तो देखेंगे आपको तुरंत लगाते ही लाभ मिल जाएगा। सदाबहार हर मौसम में ऐसे ही हरी भरी और खिलते रहने वाला ये पौधा, इसीलिए इसे ऋषियों ने नाम रखा है सदाबहार। आजकल इसकी खेती बहुत तेजी से हो रही है, विदेशों में भी। दवाई बनाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाइए, फिर घंटी का बटन दबाइए।